एक सेकंड यार, ये फॉर द अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर शोन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। डायग्राम ड्रॉ कर लो क्या? बोर्ड पे कर लेता हूँ डायग्राम। चलो सबने देख लिया, मिटाता हूं आपको। इसमें बताओ बच्चों कि कौन सा सीरीज या पैरेलल दिख रहा है, इस दो पॉइंट के बीच में निकालना है। क्या वन एंड टू सीरीज में है या वन एंड टू पैरेलल है? क्या सर पैरेलल है? नहीं है पैरेलल, वन एंड टू पैरेलल नहीं है, बिकॉज दोनों का एक पॉइंट तो पोटेंशियल सेम है, बट इसका अलग पोटेंशियल होगा, इसका अलग होगा, बीच में कैपेसिटर है ना। तो वन और टू ना सीरीज में ना पैरेलल में बच्चों में। लेकिन अगर हम थ्री और फोर की बात करें, ये कैसे कनेक्टेड है? थ्री एंड फोर पैरेलल कनेक्टेड है, बिकॉज यहां पे इन दोनों का एक प्लेट सेम पोटेंशियल पे, दूसरा प्लेट भी बच्चों सेम पोटेंशियल पे, दिस टू आर इन पैरेलल। तो इन दोनों को हटा दिया, सर। हाँ बोलो सर। सर मैंने थ्री और टू को सीरीज में लिया, उसको वन के साथ पैरेलल करके उसका इक्विवेलेंट निकाला, और वन और फोर को सीरीज में पकड़ा सर, तो मेरा फाइव अपॉन थ्री आया और आंसर थ्री अपॉन फाइव दिया। अरे पहले मेरी बात तो सुनो, मैं जो बता रहा हूँ पहले वो सुन तो लो। मैंने बताया थ्री एंड फोर पैरेलल में है क्या, ये आई बात समझ में? बस तुमने किसको पैरेलल लिया था? थ्री और टू सीरीज और उसको पैरेलल वन। थ्री और टू सीरीज में नहीं है, थ्री और टू सीरीज में नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें से चार्ज अगर माइनस क्यू यहाँ पे है, फिर चार्ज गया तो कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, अलग अलग हो जाएगा ना। सेम चार्ज है क्या? जितना चार्ज इसका होगा उतना ही चार्ज इसका नहीं होगा। देखो एक अलग मेथड भी है, तो टू और थ्री सीरीज में नहीं है। क्लियर सर? तो बच्चों थ्री एंड फोर पैरेलल है, यहां तक क्लियर ना? सीरीज में रहने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों? ये वन ये टू ये सीरीज में है अभी, क्योंकि अगर प्लस क्यू माइनस क्यू ऐसे रहेगा, सेम चार्जेस रहेंगे। लेकिन अगर यहां पे कर दिया, ऐसे कर दिया बच्चों, तो क्या वन और टू सीरीज में अब है? अब नहीं है, चार्ज जो गया इधर भी गया इधर भी गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो हम बच्चों इन दोनों को मिलाकर के एक बना लेते हैं, ये और ये तो एक हो गया बच्चों। ठीक है ना? तो एक कितना कनेक्टेड है, कितना? सी और सी कितना हो जाएगा? टू सी पैरेलल में, ये सी और ये टू सी, हाउ दिस टू आर कनेक्टेड नाउ? सीरीज सीरीज, उसके साथ ये पैरेलल।
तो सी और टू सी सीरीज में कितना हो जाएगा, टू सी बाय थ्री प्लस सी। ये पैरेलल में है, एम आई राइट? यस सर। सर कितना होगा, फाइव सी बाय थ्री। नहीं आंसर है क्या ये? नो सर, थ्री सी बाय फाइव, मेरा भी फाइव सी बाय थ्री आया था। लेकिन तूने जो किया था वो गलत किया था। ओके सर, क्या गड़बड़ किया है, किसी को पता चल रहा है? राशि एक बार सवाल देख लेते हैं फिर से, मैंने डायग्राम तो सही ड्रॉ किया ना। लास्ट लेक्चर क्या डिस्कस किया था बच्चों, इनफाइनाइट बार, सेमी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट डिस्कस कर लिया था और सेमी इनफाइनाइट डिस्कस कर लिया था। क्लियर ना? अच्छा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और तुम सॉल्व करना शुरू करो, बहुत मजा आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, जस्ट रिपीट कर देता हूं। अच्छा, ये स्ट्रेट वायर है और इससे आर डिस्टेंस पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बच्चों, तो आइडियल आइडियल क्रॉस आर इनटू द प्लेन, समझो खुद से निकालो। क्यों लिख रहा है आइडियल क्रॉस आर, फॉर्मूला आया था बाइट्स और लॉ, और इफ दिस इज थीटा वन दिस इज थीटा टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आर, ये साइन होता है या कॉस होता है बच्चों? अच्छा, एक स्ट्रेट वायर है लेकिन इनफाइनाइट लेंथ का, बट इसको बेंड कर दिया, मतलब दो सेमी इनफाइनाइट हो गया। करंट फ्लोइंग इज आई, मुझे ना इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये सपोज ऑरिजिन है और बी क्या होगा, ये पॉइंट पी जिसका कोऑर्डिनेट है ए कॉमा ए। जो नेट बी होगा बच्चों वो हो जाएगा बी वन प्लस बी टू, क्या लिखें बच्चों? इफ वी कंसिडर दिस वायर आइडियल क्रॉस आर इन टू द प्लेन, इसके लिए बच्चों आइडियल क्रॉस आर इन टू द प्लेन, दोनों इन टू द प्लेन हो जाएगा बी वन, ये बच्चों इंफिनिटी और ये 45 डिग्री, म्यू नॉट बाई फोर पाई, सॉरी इन्फिनिटी बोल रहा हूं, ये इन्फिनिटी है तो ये कितना हो जाएगा पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू प्लस साइन 45, वन प्लस वन बाई रूट टू, इज इट करेक्ट, इन टू द प्लेन प्लस, इसके लिए भी वही हो जाएगा
और ये डिस्टेंस लिखना है। ये भी बच्चों इनटू द प्लेन। सो आंसर आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन टू पाई ए वन प्लस वन बाय रूट टू। सही लिखा ना अपूर्वा? सही लिखा क्या? हाँ सर। मुझे याद नहीं मैंने कितने सवाल किए थे, तुम लोग बुकलेट से सॉल्व किए कि नहीं? ऐसे सवाल ले लिए थे क्या? हाँ सर। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे करवा दिया था सर। ठीक है। उसी चीज को दूसरे तरीके से पूछ रहा हूं बच्चों। देयर आर टू वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ प्लेस्ड अलोंग जेड एक्सिस। एक में करंट जा रहा इनटू द प्लेन आई, दूसरे में जा रहा आई आउट ऑफ द प्लेन। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया बच्चों ओरिजिन 0,0। जेड एक्सिस ये है, उसके पैरेलल दो करंट है। मुझे बच्चों यहां पे चाहिए बी वन, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। मुझे चाहिए इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। मुझे चाहिए इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। बी वन बी टू बी थ्री। चलो बच्चों बी वन बी टू तुम लोग खुद से करो और बी थ्री पे मैं डिस्कस करूंगा। बच्चों हो गया क्या? बी वन देखना बच्चों, आइडियल क्रॉस आर किधर होगा? इधर माइनस वाई एक्सिस में। ऑरिजिन पॉइंट पे फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन इनफाइनाइट वायर बच्चों टू पाई ए किधर जाएगा? माइनस जे कैप हो जाएगा। इसके कारण देखो बच्चों आइडियल क्रॉस आर सबको दिख रहा होगा डायरेक्शन, मानसिक गावस्कर क्या समझ में आ रहा है? दूसरे का भी वही डायरेक्शन होगा। yes, आंसर इज म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए। बच्चों एक बार हैंड रेज करो कितने बच्चों ने बी वन सही सही सॉल्व किया। धनंजय सॉल्व हुआ था कि नहीं तुमसे? प्रसाद गीते दो बच्चों ने हाथ उठाया। चैतन्य अपूर्व राशि शुभम सुयश चार पांच छ यश सात पुत्र प्रतीक बहुत कम बच्चों ने किया। साक्षी पाटिल नहीं सब सॉल्व हुआ क्या? स्वयं प्रकाश चलो बच्चों तो आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट पे फिर B2 कोई तो माइक ऑन करके बोलो किससे बुलवाऊं? प्रसाद प्रसाद B2 क्या लिखे हैं? प्रसाद गीते पहले इसके कारण प्रसाद सुन पा रहे हो?
प्लस जे कैप प्लस इसके कारण यू नॉट आई अपॉन टू पाई पूजा राउत कितना पुट करो यहां पे बच्चों माइनस जे कैप थ्री ए तो बच्चों बी टू तक तो बहुत आसान था और मेडिकल में जो सवाल आता है बच्चों ऐसा ही आता है लेकिन अगर कभी थोड़ा टफ पूछ दिया तो बी थ्री कैसे निकालें बच्चों बी थ्री देखो इसके कारण किधर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड आइडियल क्रॉस आर बच्चों इसके थ्री थ्रू इधर होगा इस लाइन के परपेंडिकुलर अगर मैं पूछूं बच्चों कि लेट्स ये एंगल थीटा वन है थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा बिकॉज ये थीटा तो 90 माइनस थीटा तो ये थीटा तो ये अगर सपोज बी नॉट है इसके कारण किधर जाएगा फील्ड आइडियल क्रॉस आर इसके कारण इधर और इसके कारण बच्चों आइडियल क्रॉस आर इन विच डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर बच्चों इसके परपेंडिकुलर जो भी डायरेक्शन है ये भी बी नॉट ये भी एंगल थीटा क्योंकि ये थीटा क्योंकि अभी ये डिस्टेंस बच्चों ए और ए दिया हुआ तो ये थीटा इनफैक्ट 45 हो जाएगा तो बहुत मैटर नहीं करेगा बट डायरेक्शंस के साथ लिखो तो ये थीटा सो नेट फील्ड किधर आने वाला है नेट फील्ड बी थ्री विल बी टू बी नॉट माइनस जे कैप हाँ टू बी नॉट क्या साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस जे कैप बच्चों टू बी नॉट कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस The distance will be root 2a और sin theta यहां पे इस पर्टिकुलर केस में 45 डिग्री है तो आ जाएगा बच्चों म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई a दिस इज द आंसर तो बच्चों ये अच्छा सवाल है ये तो इनफैक्ट जेई एडवांस में पूछने लायक सवाल है ये अच्छी बात है इस सवाल में कि 45 डिग्री एंगल है ये बिकॉज ये ए ये भी है बट अदर देन तो ये लिखना है टफ सवाल टफ नहीं है आसानी है
अच्छा इसके कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे? अगर सॉल्व हो गया बच्चों तो उसके बाद हैंड रेज करना, सर सॉल्व हो गया एंड दिस रेडियस इज आर। देखो सेमी इनफाइनाइट एंड क्वार्टर रिंग, बच्चों इसके कारण पहले देखो ये सेमी इनफाइनाइट वायर आइडियल क्रॉस आर इनटू द प्लेन, बच्चों जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई आर, इसके कारण भी बच्चों इनटू द प्लेन। क्वार्टरिंग म्यू नॉट I upon 4 pi r into theta, theta कितना बच्चों pi by 2, और इसके कारण भी यही मुझे तो ये लगा mu not I upon 4 pi की जगह पे 8 पाई आर कॉमन ले लिया तो हो जाएगा 2 और 2 हो जाएगा 4 प्लस पाई। बच्चों मैंने सही लिखा क्या? अपूर्वा सही लिखा क्या मैंने? हाँ सर ठीक है। कुछ समझ में आया कि कैसा है फिर? ये दिख रहा है कैसा डायग्राम है बच्चों? एक तो तुम्हारा देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल वायर है इनफाइनाइट, और दूसरा वायर कैसा है वाई जेड प्लेन में बच्चों, ऐसा है और फिर इसके बाद ऐसे चला गया। तो इसका लेते हैं सेगमेंट 1, सेगमेंट 2 और ये सेगमेंट 3। वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन बी एट ओरिजिन। सर डिस्टेंस कितना? हाँ डिस्टेंस ले लो तो आर, आर इज द रेडियस। ये जो जिसने लिख लिया बच्चों उसको समझ में आ रहा है पूरा पूरा? बच्चों इसके कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड में बात करूं, इसके कारण आइडियल क्रॉस आर के कैप होगा बच्चों, इसके कारण म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई आर और के कैप प्लस। बच्चों ये देखना ये किसमें है, ऐसा है ये। एक्चुअली में ये सेमी सर्कल नहीं, ये कैसा होगा बच्चों जेड एक्सिस पर आएगी, क्वार्टर सर्कल है। आई बात समझ में?
इसके काम किधर होगा, आइडियल क्रॉस आर किधर होगा, आई कैप, बहुत ही बढ़िया। तो म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई आर पाई बाय टू और आई कैप। Answers will be mu naught I upon 8 pi r common ले लेता हूँ, 8 pi r 2 k cap plus pi i cap. Am I right? ये ध्यान देना है बच्चों। अच्छा ये हमने कुछ सवाल किए कि तुम लोग प्रैक्टिस करोगे, अब हम आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी। देखो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड, आज मैं ये चैप्टर फिनिश करके छोड़ूंगा, बहुत सारे बच्चे दिख रहा है कि वो एग्जिट हो रहे हैं, 22 25 था 18 हो गए हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग ऑन इट्स एक्सिस, बच्चों उसके सेंटर पे हमने निकाला है, इसके एक्सिस पे कितना होगा ये थोड़ा सा टफ है, बट इट्स नॉट दैट मच टफ, तुम लोगों को समझ में नहीं आए। तो सपोज करंट ऐसा है और ये हो गया सेंटर, सेंटर के किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यहां इफ वी कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट हियर एट दिस पॉइंट, इसका करंट कैसे जा रहा है, इनटू द प्लेन जा रहा है, इनटू द प्लेन, छोटा सा एलिमेंट, इस छोटे से एलिमेंट के कारण यहां पर फील्ड लिखते हैं बच्चों। देखना आइडियल क्रॉस आर हम किधर जा रहा है, हम जा रहा इस लाइन के परपेंडिकुलर, दिस इज डी वी, बच्चों अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, बिकॉज ये 90 मास थीटा है, थीटा। कोई कहेगा सर अगर सपोज मैं यहां पे एक पॉइंट लिया यहां पे, तो यहां पे करंट किधर जा रहा है, बाहर जा रहा है, ऐसे जा रहा है। देखना बच्चों यहां पे करेंगे आइडियल कैसा जा रहा है, बाहर आ रहा है, आइडियल क्रॉस आर, ये जो आर आएगा इस आर के परपेंडिकुलर ये हो जाएगा डीबी, this angle is again theta, so this is theta. कितने बच्चों को समझ में आया कि इस db का जो cos theta component है cancel होगा, db का sin theta component होगा, तो net b जो हो जाएगा, this will be along the axis and it will be integration of db sin theta. आज अनन्य प्रणव नहीं है, गौरी क्लियर, ये डीबी साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा। अभी जस्ट ये दो पॉइंट कंसीडर किए, और भी पॉइंट्स लोगे इस रिंग पे, तो ये कंपोनेंट एक्सिस का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल अलोंग द एक्सिस वाला ऐड होगा, एंड व्हाट विल बी द डीबी साइन थीटा, डीबी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ये डिस्टेंस है आर, आइडियल म्यू नॉट आइडियल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना, 1 बाई आर स्क्वायर तो एलिमेंट के कारण।
और साइन थीटा। आए बच्चों देखना, जो जो कांस्टेंट है बाहर लेते हैं, पूरे एलिमेंट के लिए निकालते हैं बच्चों। तो म्यू नॉट कांस्टेंट, आई कांस्टेंट अपॉन फोर पाई स्मॉल आर स्क्वायर कांस्टेंट। क्या साइन थीटा कांस्टेंट है? डीएल का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? बच्चों देखना यहां पे क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई, ये साइन थीटा क्या लिखें? हाउ मच साइन थीटा? साइन थीटा इज दिस आर अपॉन दिस आर, क्या हो रहा है बच्चों? म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई टू पाई आर स्क्वायर अपॉन आर क्यू। तो I into pi r square को कुछ बोल सकते हैं क्या? I into pi r square को क्या बोल सकते हैं? लूप का मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट सही लिखा है ये? लेकिन ये आर क्यूब है बच्चों, आर क्या है? ये है, क्या हो जाएगा? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट टू एम अपॉन फोर पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर थ्री बाई टू। एक्स क्या है बच्चों? ये डिस्टेंस है एक्स, किधर होगा? इधर। बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट का भी डायरेक्शन किधर है? इधर। बी का भी डायरेक्शन किधर है? इधर। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन है। इज इट क्लियर? पता नहीं रिकॉर्डिंग कब बंद कर दिया था। बच्चों एम्पियर्स लॉ डिस्कस कर रहे हैं, एक लूप लिया है, दिस इज कॉल्ड एम्पेरियन लूप, बहुत सारे करंट एलिमेंट है। एम्पियर्स लॉ विल बी यूजफुल टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट डिस्ट्रीब्यूशन, बट यूजफुल तब होगा जब करंट डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्री हो उसमें। बी डॉट डीएल थ्रू दिस लूप लाइन इंटीग्रल थ्रू क्लोज लूप दैट कम्स आउट एज mu naught into I inside, इसका मतलब कितना करंट इनसाइड है बच्चों? अब सारे बच्चे ध्यान से सुनना, मतलब इस लूप को कितने करंट क्रॉस कर रहा, पियर्स कर रहा, छेद करते हुए पास हो रहा। क्योंकि सर लूप को कैसे छेद करेगा? इमेजिन करो कि ये लूप जो ले रहा है, इस लूप के साथ एक एरिया अटैच्ड है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, सोचो कि इस वायर का एक ऐसा लूप है, पुट इट इन सॉफ्ट सॉल्यूशंस, टेक इट आउट, यू विल गेट अ थिन फिल्म। और अगर कोई करंट एलिमेंट उसको क्रॉस कर रहा है,
आइदर ऐसे या ऐसे। अब कहोगे सर बी डॉट डी एल लिए हैं तो इसमें कुछ करंट निगेटिव होंगे कुछ करंट पॉजिटिव होगा, तो किसको पॉजिटिव ले और किसको निगेटिव ले बताओ बच्चों, कोई बताएगा? सृष्टि बताएगी कौन से करंट को पॉजिटिव ले, कैसे डिसाइड करेंगे? सुयस मोरे, सृष्टि, स्वयं प्रकाश, विवेक, एनीवन? बच्चों जब हम बी डॉट डी एल निकाल दें तो हम लोग एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलेंगे, तो अपने मन से एक एरो पुट कर दो। इफ यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, चैतन्य गलत आउट ऑफ द प्लेन जो कर रहे हैं उसको नहीं कहेंगे, इसमें अपने मन से हमें बी डॉट डी एल जब लिख रहे हैं तो ऐसे जा रहे हैं सपोज ऐसे, तो एक एरो पुट कर दो। इफ यू आर गोइंग इन दिस वे, डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव। अगर किसी ने बी डॉट डी एल ऐसे लिया तो उस लूप का एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लगेगा इन दैट केस। बट अभी लूप वन में हमने एरो ऐसा पुट किया है, बच्चों म्यू नॉट आई इन साइड, बच्चों अल्जेब्रिक समेशन, सभी आई थ्री हो गया पॉजिटिव, आई वन हो गया निगेटिव, आई फाइव हो गया निगेटिव। अच्छा एक लूप टू ले रहा हूं मैं, ऐसे लूप ले रहा हूं और एरो ऐसे पुट कर रहा हूं। कोई बता सकता है कि बी डॉट डीएल थ्रू द क्लोज लूप टू कितना होगा? म्यू नॉट, माइक ऑन करके मैं किसी से पूछूंगा, सीधा एरो। ऐसे ले रहा है मतलब इसको निगेटिव पॉजिटिव ले रहा है इस डायरेक्शन को, बी डॉट डी एल वी आर गोइंग इन दिस वे, बच्चों हो जाएगा आई टू पॉजिटिव, आई थ्री निगेटिव, अपूर्वा क्या ये कंसेप्ट क्लियर कि हम बी डॉट डी एल जो ले रहे हैं लाइन इंटीग्रल ले रहे हैं तो म्यू नॉट इंटू आई, आई कैसे लिखेंगे? क्या कुछ कंसेप्ट में क्लैरिटी आई बच्चों? यस सर। बच्चों हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया? एम्पीयर्स लॉ डिस्कस किया। नेक्स्ट क्या डिस्कस करने वाले हैं बच्चों? एप्लीकेशन ऑफ एम्पीयर्स लॉ। एप्लीकेशन ऑफ एम्पीयर्स लॉ। जेआर बैच गार्गी धोटे कनेक्टेड हो क्या?
क्या किसी को दिक्कत हो रही थी क्या ज्वाइन करने में? गार्गी का मैसेज आया कि ज्वाइन नहीं कर पा रहे। अच्छा सबसे पहले तो हम लोग निकालते हैं इनफाइनाइट वायर, उसके कारण आर डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड कितना है? व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस आर बाय यूजिंग एम्पियर्स लॉ। बच्चों इसमें भी क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक एन एम्पेरियन लूप। बच्चों एक आर रेडियस का एम्पेरियन लूप लिया जहां पे ये जो करंट है उसके एक्सिस के अलोंग है, और मैं बी डॉट डीएल ऐसे चल रहा हूं, मुझे पता है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा इधर होगा, टेंजेंशियल होगा सिमेट्री से। तो बी डॉट डीएल दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू करंट। बच्चों इस करंट को कैसा लो, ऐसे जा रहा है, देखो आई पॉजिटिव लेना पड़ेगा। बच्चों हर पॉइंट पे टेंजेंशियल होगा, तो बी और डीएल में कितना एंगल है बच्चों? जीरो डिग्री बी और डीएल में हर पॉइंट पे। तो बी बी बाहर नहीं ले सकते हैं, बट बी वेक्टर बाहर नहीं ले सकते हैं, बी का मैग्नीट्यूड बाहर ले सकते हैं। यहां लिख देता हूं कॉस जीरो समझने के लिए। नाउ वी कैन टेक बी आउटसाइड, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बच्चों डीएल डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2πr। सिर्फ 17 बच्चे कनेक्टेड हैं। सुदीप मलिक क्या ये समझ में आया? सुदीप यस सर ठीक है। पूजा राउत ये तो पहले से फॉर्मूला, हाँ सर, अगर भूल गए तो कितना टाइम लगेगा याद करने में? मैं अभी कुछ दिन पहले भूल गया, कोई बच्चा पूछ लिया 2 सेकंड लगता है, अरे सेकंड बच्चों मुझे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉलो सिलेंडर। मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा क्योंकि गॉस लॉ ने पढ़ा दिया है। बच्चों हॉलो सिलेंडर में आउटसाइड के लिए बच्चों हो जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, और अंदर में क्या हो जाएगा बी जीरो। Is it clear? करंट बच्चों ऐसे जा रहा है, आई क्या है? टोटल करंट थ्रू द वायर। ये अगर पूछा जाए करंट सॉलिड कंडक्टर के थ्रू करंट, अच्छा टोटल करंट क्रॉस सेक्शन से है आई, यहां पे बी अगेन आउटसाइड के हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। लेकिन इनसाइड के लिए क्या होगा बच्चों? इनसाइड के लिए कैन यू फाइंड इसका रेडियस आर है, मैंने निकाला तुम लोग निकालो, इनसाइड के लिए क्या हो जाएगा?
सो यस गलत है एक्चुअली सॉलिड कंडक्टर करंट पूरे क्रॉस सेक्शन से ज्यादा लेट्स की करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो बच्चों आई करंट जो है पाई आर स्क्वायर में है तो यूनिट एरिया से कितना करंट ज्यादा होगा करंट डेंसिटी तो लेट्स करंट डेंसिटी को मैं यहां पे जे लिख रहा हूं सो इन दैट केस इट विल बी आई अपॉन पाई आर स्क्वायर देखते हैं पहले जे में लिखता हूं बच्चों मैं यहां पे इसके लिए ये एम्पियर लूप लूप के लिए एम्पियर लॉ लगा रहा हूं बी डॉट डी एल बी डॉट डी एल दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड बच्चों ये डायरेक्टली लिख रहा हूं बी बाहर डीएल का इंटीग्रेशन बच्चों टू पाई स्मॉल आर म्यू नॉट आई इनसाइड कितना हो जाएगा बच्चों जे इंटू पाई आर स्क्वायर जे इंटू पाई आर स्क्वायर बच्चों याद करना बी कितना आ गया बी इज इक्वल टू पाई पाई गया म्यू नॉट जे अपॉन टू एक आर चला जाएगा आर आ जाएगा तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया इन सॉलिड कंडक्टर अगर करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सिलिंड्रिकल कंडक्टर में तो सेंटर से आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड आर के प्रोपोर्शनल है और आउटसाइड क्या है वन बाई आर के प्रोपोर्शनल तो जैसा ग्राफ हम लोग वहां पर ड्रॉ करते थे सपोज ये सॉलिड कंडक्टर है क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया And if we draw the I versus R graph, B versus R graph, तो यहां पे ऐसे जाएगा स्ट्रेट लाइन एंड देन वन बाई आर शॉर्ट में मैंने इसको ड्रॉ कर दिया स्ट्रेट लाइन फिर वन बाई आर इस J को बच्चों यहां पे अगर ऐसा है तो I बाई ये पुट कर सकते हो तो आज के लिए इतना ही नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग क्या डिस्कस करेंगे जो बचा हुआ पार्ट में बताता हूँ क्या डिस्कस करना है बाकी तुम लोग ये करोगे इसी में बच्चों एक टफ सवाल होता है JEE के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें कैविटी होगा तो क्या होगा वो डिस्कस करेंगे वो थोड़ा सा टफ है देन वी विल डिस्कस चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लेन पे पूरा प्लेन पे है फिर कुछ सम्स कराएंगे एंड देन वी विल स्टार्ट सोलेनोइड का कांसेप्ट डिस्कस करें सोलेनोइड एंड टोरॉइड तो नेक्स्ट क्लास बच्चों ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा इसके सवाल भी करेंगे सो नाउ यू कैन ट्राई ऑल द सम्स रीड एनसीईआरटी भी पूरा पढ़ जाओ इस चैप्टर का और जो अपना बुकलेट उसका थ्योरी पढ़ के सारे सवाल अटेम्प्ट करके आना है बच्चों मेहनत करना है तुम्हें